अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिसेस मसूद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राजा मसूद फूड। इसमें आज बना रहे हैं हम चिकन एग वेजिटेबल पराठा। ये बहुत ही हेल्दी होता है। इसमें चिकन, वेजिटेबल, एग, पराठा, सैलड सारी चीजें मौजूद हैं। बहुत ही ज्यादा जो है वो हेल्दी होता है और इसके साथ ही बहुत ज्यादा मजेदार होता है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए मिलकर बनाते हैं और देखते हैं कि ये हेल्दी और टेस्टी सा चिकन एग पराठा रोल कैसे बनाया जाता है। बनाने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं चिकन एग वेजिटेबल पराठा रोल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन पराठा रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम पराठे बनाएंगे और पराठे बनाने के लिए हमने आटा गूंदना है और उसके लिए हमने ये 2 से 2.5 कप जो है वो मैदा ले लिया है। अब इसमें 1 टीस्पून जो है वो नमक डालेंगे और अब इसको जो है वो सिंपली पानी डाल के, नीम गर्म पानी आप डालें, गूंद लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आटा हमने गूंद लिया अच्छी तरह और यहाँ अब हमें 10 से 15 मिनट के लिए इसे कवर करके जो है वो रख देंगे। हमारा आटा जो है वो अच्छी तरह सेट हो चुका है तो अब इसकी रोटी बेल लेते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है वो काउंटर पे जो है वो खुश्क आटा छिड़क लेंगे। ये हमने रोटी बेल ली है और अब इसे पका लेंगे। तो हमने चूल्हे पे चढ़ा लिया है और इसको जो है हमने ग्रीस कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साइड पे हम जो है वो ब्रश की मदद से ऑयल लगा लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा जो है वो गोल्डन सा कलर हमारे पराठे को जो है वो आ गया है। माशाल्लाह हमारा पराठा दोनों साइड से जो है वो पक चुका है। अब हम इसे उतार लेंगे। यह और अब हमने ये लिया है 2 टेबल स्पून जो है वो दही है हमारे पास, वो डालेंगे। इसके बाद जो है हमारे पास ये कुटा हुआ अदरक लहसुन है वो डाल देंगे 1 टेबल स्पून। इसके बाद हमारे पास ये कुछ ड्राई मसाले हैं। सबसे पहले ये जो है वो टिक्का मसाला है 1 चम्मच। इसके बाद नमक हसबे जायका। इसके बाद कुटा हुआ खुश्क धनिया 1 चम्मच जो है वो सुर्ख मिर्च पाउडर है 1 चम्मच। गरम मसाला है, थोड़ी सी हल्दी है और ये फूड कलर है हमारे पास। टिक्का मसाला अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, नहीं तो डाल लें। इसका बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर जो है वो हमारे चिकन में आएगा। ये मसाले दही में शामिल कर देंगे और इन तमाम मसालों को जो है दही के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये मसाले मिक्स कर लिए हैं और अब हम इसमें जो है वो 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे। इसको भी अच्छी तरह जो है मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मैरिनेशन मिक्स हो गई है तो अब यहाँ पे जो है हमने 1 अदद लेमन लिया है उसका जो है रस निचोड़ लेंगे। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप जो है वो 1 टेबल स्पून सिरका भी यूज़ कर सकते हैं। इसको भी इसमें मिक्स करेंगे। माशाल्लाह हमारी मैरिनेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और अब हमने ये 300 ग्राम चिकन लिया है और इसके हमने इस तरह बारीक बारीक जो है छोटे छोटे पीसेस जो है वो हमने काट लिए हैं। इसको भी जो है वो इस मैरिनेशन में शामिल कर देंगे और अच्छी तरह जो है वो इसको मैरिनेशन में मिक्स कर देंगे। बहुत प्यारी सी माशाल्लाह जो है वो खुशबू आना शुरू होगी। लेमन की जो है ना
हमारे चिकन पराठा रोल की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही डिलीशियस सा ये चिकन पराठा रोल बनता है। बहुत मज़े की ये रेसिपी होने वाली है, आप इसे इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर भी कीजिएगा, और अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। उस रुख सा निशान नहीं होता सब्सक्राइब का, वो ज़रूर कीजिएगा और बेल का भी दबाइए, बिल्कुल फ्री है, इसमें आपका कोई ख़र्चा नहीं होता, लेकिन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। यहाँ तक जो पहुँचे हैं वो अपने व्यूवर्स के अनजात अमन से पहुँचे हैं, आपके प्यार आपकी जो है वो हौसला अफजाई के साथ, तो इंशाल्लाह आगे भी उम्मीद रखते हैं कि आपकी हौसला अफजाई जो है वो हमारे साथ रहेगी। चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है तो अब इसे कवर करके हम आधे घंटे के लिए एक साइड पे रख देंगे। अगले स्टेप में हमने जो है वो एक पैन चूल्हे पे रख लिया है और इसमें जो है वो एक टेबलस्पून जो है वो ऑयल डालेंगे, इसे अच्छी तरह फैला लेंगे। और अब जो हमने ये चिकन मैरिनेट करके रखा था वो उसमें आराम से जो है वो डाल देंगे। इस तमाम को जो है हमने दरमियानी आंच पर जो है वो पकाना है, हीट जो है वो ज़्यादा नहीं चाहिए इसको। चिकन बहुत अच्छी तरह हमारा जो है वो पक रहा है, इसमें दही का पानी है और चिकन का अपना पानी है, उसमें ये आस्ता आस्ता धीमी आंच पे जब हम इसको पकाएंगे ये बहुत अच्छी तरह गल भी जाएगा और पक भी जाएगा। माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर जो है वो आ रहा है इसमें। हमारे चिकन को पकते हुए जो है 10 मिनट हो चुके हैं, क्योंकि आंच धीमी है तो आप देख सकते हैं कि अभी इसमें जो है वो पानी मौजूद है दही का और चिकन का जो है, क्योंकि धीमी आंच पे पकाने से तमाम जो है फ्लेवर और जो टेस्ट है मसालों का वो इसके अंदर अच्छी तरह चला जाएगा। तो अब हम थोड़ी सी और धीमी जो है वो इसकी आग कर देंगे चूल्हे की, और 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको जो है वो कवर करके रखेंगे ताकि चिकन जो है वो अंदर तक इस तमाम मसाले में जो है वो गल जाए। तो मिलते हैं 10 मिनट बाद। अपने दम को निकाल लेते हैं, माशाल्लाह तकरीबन जो तमाम पानी रिड्यूस हो चुका है, अभी चिकन को चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह देखें कितना जो है वो अच्छी तरह गल चुका है। अब हम इसको जो है वो पकाएंगे, थोड़ी सी इस फ्लेम को जो है वो तेज़ कर देंगे और इसको तब तक पकाएंगे जब तक इसका मसाला जो है अच्छी तरह ड्राई हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि हमारे चिकन का तमाम मसाला जो है वो अच्छी तरह ड्राई हो चुका है और इसमें बहुत अच्छा सा प्यारा सा जो है वो कलर भी आ चुका है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। अब अगला स्टेप जो है वो शुरू करते हैं। पैन चूल्हे पर रख लिया है और अब हम जो है वो वेजिटेबल की स्टफिंग तैयार कर लेंगे। उसके लिए हमने 1 टेबलस्पून जो है वो कुकिंग ऑयल डाला है और अब हम इसमें ये हमारे पास एक छोटा प्याज है वो डालेंगे। प्याज डालने के बाद हमारे पास ये छोटी गाजर ग्रेट की हुई है हमने बारीक, वो डालेंगे। उसके बाद हमारे पास ये शिमला मिर्च थोड़ी सी वो डालेंगे। उसके बाद हमारे पास ये थोड़ी सी बंद गोभी है वो डालेंगे। सब्जियां आप अपनी मर्जी और पसंद की भी इसमें ले सकते हैं। बिस्मिल्लाह, इन तमाम सब्जियों को हमने मिक्स करना है।
सब्जियां अच्छी तरह जो है वो मिक्स हो गई हैं। तो अब जो है वो इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्च, हाफ टी स्पून जो है वो सुरख मिर्च पाउडर। इनको मिक्स करेंगे। इन सब्जियों को हमने बहुत ज्यादा पकाना नहीं है, बस हमने इनका कच्चापन जो है वो खत्म करना है। इनको 1-2 मिनट के लिए जो है हमने सोते करना है। अब जो है इसमें ये हमारे पास थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं बारीक कटी हुई, वो शामिल करेंगे। हमारी सब्जियां अच्छी तरह जो है वो सोते हो चुकी हैं, नरम हो चुकी हैं। अब हमारे पास हमने ये 1 अदद उबला हुआ आलू लिया है, उसको हमने ग्रेट कर लिया है, वो शामिल करेंगे। तो अच्छी तरह इन तमाम सब्जियों के साथ जो है वो इसे मिक्स कर लेंगे। हमारी जो सब्जियों की फिलिंग तैयार हो चुकी है, चूल्हा बंद कर देंगे और उसे प्लेट में निकाल लेंगे। उसे फैलाकर ठंडा होने के लिए जो है वो, अब हमने जहाँ एक अंडा ले लिया है उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे और इसको अच्छी तरह फेंट लेंगे। अब पैन चूल्हे पे रख लिया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको सारे पैन में फैला लेंगे और हमारा अंडा है वो उसमें डालेंगे और इसको भी सारे पैन में अच्छी तरह फैला लेंगे। नीचे से हमारा अंडा अच्छी तरह पक चुका है और अब हमारा ये जो पराठा है ये हम उसके ऊपर रखेंगे अंडे के और अच्छी तरह इसको दबाएंगे। एक मिनट के लिए हमने इसे नीचे से पकाया है, इंशाल्लाह जो है वो हमारा अंडा जो है नीचे से अच्छी तरह पक गया है, माशाल्लाह बहुत प्यारा। यहाँ अब एग लगा लेंगे, उसके बाद ये जो हमने वेजिटेबल की स्टफिंग तैयार की थी वो डालेंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस सा जो है हमारा एग पराठा रोल होगा। अगर आप इस तरह सब्जियों की स्टफिंग नहीं रखना चाहते तो इसकी जगह आप जो है वो सैलड भी रख सकते हैं। आप सब्जियों के बाद हमने ये जो चिकन टिक्का तैयार किया था वो डालेंगे। सारा चिकन डालने के बाद आप इसकी हम थोड़ी सी ग्रीन चटनी डाल देंगे। अब हम इसको फोल्ड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रंची हमारा एग चिकन रोल जो है वो रेडी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े का, बहुत ही डिलीशियस। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा चिकन वेजिटेबल एग पराठा रोल जो है वो रेडी है। ये जितना ज़्यादा देखने में खूबसूरत है, इंशाल्लाह खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार होगा। बहुत ही हेल्दी होता है, इसमें चिकन है, इसमें एग है, इसमें वेजिटेबल, इसमें पराठा, इसमें तमाम जो है वो गज़ाइत मौजूद है। बहुत ही हेल्दी होता है, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।